हाय फ्रेंड, सबसे पहले देखिए आप मेरे बॉडी की कंडीशन विदाउट पुशअप कैसी है, थोड़ी सी पोजिंग देख लीजिए। और इसके बाद मैं मारूंगा 350 पुशअप। मैं स्टार्ट करता हूँ अब, और 350 पुशअप लगाने में लगेगा बहुत टाइम, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेता हूँ और देखते हैं 350 पुशअप मारने के बाद में बॉडी की कंडीशन क्या रहती है। थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट भी लूँगा और कंटिन्यू रखूँगा, और थोड़ी थोड़ी देर में जो रेस्ट लूँगा उसके बीच में आपको बॉडी कंडीशन शेयर करता रहूँगा। तो थोड़े थोड़े 70-80-90 किसी में 50 करके मैं सेट लगाऊँगा और 350 पुशअप मारूँगा। 350 पुशअप मारने के बाद में बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, क्या बदलाव आते हैं, कैसे कैसे करना है सब आप देखिए। और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही तगड़ा बदलाव आता है। पुशअप पावर आप देखिए आज भाई लोग, ये देखिए बॉडी में बदलाव आना स्टार्ट हो चुके हैं। बॉडी एकदम फूल के पंप होने लगी, हाथ एकदम बन चुके हैं, चेस्ट एकदम फट के बाहर आ गई है। तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ, जल्दी जल्दी कट ट्वीट करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता कि आपको देखने में ज़्यादा टाइम लगे। ये मेरी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब ये पुशअप के बाद, पुशअप करने के बाद जो मेरी बॉडी कंडीशन है देखिए, थोड़ा पोजिंग देख लीजिए, काफ़ी अच्छा बदलाव आया है। और चेस्ट में क्या बदलाव आया है, या हमें साइड चेस्ट लीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।